हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइजिंग मोटो ब्लॉग। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आर1 5 वर्जन 4 का न्यू कलर आया है उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर के शोरूम है, वहाँ पहुँचते हैं एंड आपको उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड अगर जो आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दिस इज़ ऑल न्यू आर1 5 VM एंड ये आर1 5 V4 है ब्लू कलर। एंड ये टॉप मॉडल आता है आर1 5 का, जो यम वो है उसका न्यू कलर आया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें वाइबर के ब्रेक्स डिस्क ब्रेक यूज़ किया गया। एंड ये गोल्ड कलर का ये यूज़ किया गया है इसका सस्पेंशन। एंड ये एडजस्टेबल है शायद, मुझे तो नहीं आता इसको एडजस्ट करना, नहीं तो मैं दिखा देता। एंड ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये LED आता है। एंड इसमें LED आता है, V4 में LED नहीं आता है, तो ये LED का यहाँ पे चेंज किया है। पीछे भी LED इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। एंड ये देखो, यहाँ से दिखाने में नहीं बन रहा है इसका, आपको बस सिस्टम उस्टम बता देते हैं क्या है नहीं है एंड कैसा लग रहा है। बाकी सब कुछ तो सेम ही है आर1 5 का। ये देखो इधर से, एंड ये आर1 5 V4 दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि ये वाला आपको TFT डिस्प्ले कलरफुल नहीं मिलता, एंड ये आपको TFT डिस्प्ले कलरफुल के साथ आता है। अब इसका पूरा सिस्टम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यामाहा की बैजिंग, एंड ये कलरफुल इसका डिस्प्ले है। एंड यहाँ से अप डाउन ये सेलेक्ट होता है, ये देखो। एंड यहाँ इसका मीटर पे गियर भी शो कर रहा है, थर्ड गियर में है। एंड ये QS मतलब क्विक शिफ्टर हो गया, और DCS कंट्रोल का हो जाए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो है। एंड ये आपको हजार्ड वार्निंग मिल जाता है, ये देखो। एंड ये देखिए, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस आ जाता है, कलर डिस्प्ले, वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मीटर मोड, पता नहीं क्या है डिफ़ॉल्ट मीटर मोड, चेक करते हैं, स्ट्रीट एंड ट्रैक, ये दोनों आप लगा सकते हो। जैसे ट्रैक पे लगाया हूँ, एंड वॉलपेपर भी आप लगा सकते हो। अभी ये स्मार्ट मोड में है, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट डिस्प्ले कलर ऑटो है, और ब्लैक ऑल टाइम के लिए भी आप लगा सकते हैं, ये ऑटो ही रहने देते हैं। ब्राइटनेस नाइट में आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ये देखिए ब्राइटनेस तो अच्छा खासा दिया है डे के लिए भी। ये डिस्प्ले सेटिंग तो बता दिए, लैप टाइम जो होता है हर चीज़ में रहता है, आप रिकॉर्ड में लगा सकते हो कि जैसे रेस वेस लगा रहे हो कहाँ 100 मीटर का तो कितने टाइम में पहुँचते हो वो आप लगा सकते हो। लैप टाइम दे दिया, ये भी ठीक है। TCS कंट्रोल इसका ऑन हो गया एंड ये ऑफ हो गया। एंड सिस्टम सेटिंग है, क्लॉक कस्टमर नेम आप लिख सकते हो, ओके देखो अप्लाई, वो फिर से हो गया। कस्टमर नेम आप डाल सकते हो, अरे यार कस्टमर नंबर आप डाल सकते हो, नंबर में क्या है ट्रेवल नंबर, ओह मेरा 72 डालना था। यूनिट आप स्पीड का
किलोमीटर हावर में चाहिए तो किलोमीटर हावर में, एंड माइल पर हावर चाहिए तो माइल पर हावर में भी बताएगा आपको। एंड माइलेज का इसका है, किलोमीटर लीटर में चाहिए, लीटर 100 किलोमीटर में चाहिए, या मर 5 mpg माइलेज पर ग्राम, ऐसे कुछ है क्या पता नहीं। एंड इसका आप टेम्परेचर सेल्सियस या फारेनहाइट में रख सकते हो। बैक और रिसेट, ये सिस्टम तो इतना ही है इसमें। बाकी आरून 5 के बारे में तो आप सब जानते ही हो, 18 PS का पावर आता है एंड 14 Nm का टॉर्क आता है, और उसमें भी ये भाई फवाल चीज़ है, ईजिली ये 145-150 अचीव कर लेती है बाइक। एंड 10,000 RPM पे इसका है, 10,000 RPM तक जाती है बाइक। एवरेज यहाँ दिखा देता है, लेटेस्ट एवरेज इधर ट्रिप आपको बता देगा, ओडोमीटर। एंड इधर करंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्ट बता देगा, कोल्ड टेम्परेचर बता देगा, फ्यूल ट्रिप बता देगा। यही है जो कि ये मुझे इसका बहुत प्यारा लगता है। एंड ये इसका रेव का हो जाएगा, इसका मैं साउंड सुनाता हूँ आपको, पता नहीं ऑन नहीं हो रहा, छोड़ो ऑन नहीं करूँगा। एंड इसका जो बटन है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ये इंडिकेटर का है, रेव लाइट ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड ये इसका स्विच विच आ जाता है जो कि स्टार्ट करके, स्टार्ट नहीं हो रहा, लगता है स्टार्ट वाला कनेक्शन नहीं हुआ इस बाइक में भी। ब्लैक एंड सिल्वर कलर में जो इसका लुक आ रहा है, बहुत ही खतरनाक है लुक इसका भाई। एंड यहाँ पे आपका मिरर सीट होगा, ये यहाँ वहाँ की बैजिंग, एंड इसका ये मेन लाइट जो कि फुल्ली डिजिटल है। ब्रेक सारा कुछ ठीक ही है। एंड यहाँ पे VVA वेरिएबल वेल्व, एंड ये इसका नंबर प्लेट का पहले से शायद लगता है छोटा किया है, देखो ठीक है। ये भी पीछे आपको, पीछे भी ABS आपको मिल ही जाता है जो कि हाई स्पीड पे ये गाड़ी क्योंकि 150 चली जाती है तो अच्छा है इस बाइक के लिए। एंड ये आपका इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल मतलब ब्रेक ऑयल, बस इतना ही है, ये लॉक नहीं होता है, ये भी यहाँ लॉक नहीं होता, होना चाहिए क्योंकि किक तो है नहीं, तो लॉक होने से क्या ही मतलब है। एंड इस बाइक में क्यूक शिफ्टर भी है तो वो अच्छा है। माइलेज भी अराउंड आपको 45-50 दे ही देती है ये बाइक। एंड बाइक कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड ये देख लीजिए R15 PM की बैजिंग सीट पे भी, सीट काफ़ी अच्छी है, पीछे आगे दोनों भी ठीक है। गाइस जाम इतना है कि अपन को बाइक फुटपाथ पे चलाना पड़ रहा है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये लड़की हट जो उड़ा दो नहीं तो। एंड राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जाम भी उतना ही रहता है यार, बहुत गंदा वाला जाम रहता है। ये देखो स्कॉर्पियो 3009, ये इसकी, इस गाड़ी का नाम जानते हो क्या? बहुत दिन बाद देखा हूँ, जानते हो कमेंट में जरूर बताना। एंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।